हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे हैं ना? आज मैं आई हूँ धर्मशाला में मैकलोडगंज। तो यहाँ पर एक भक्सुनाथ टेंपल के पास भक्सुनाथ वाटरफॉल है, तो हम लोग उसको देखने जा रहे हैं। बहुत मजा आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर वाटरफॉल है। यहाँ से सुबह हो रखी है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। फिर इसके बाद हम लोग भक्सुनाथ टेंपल भी घूमने चलेंगे। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको वाटरफॉल दिखाती हूँ। मैं चल चल के थक गई थी, इसलिए मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ। वाओ, कितना सुंदर व्यू है। ये चेंज लिखा हुआ है, ये वेस्ट प्लास्टिक बोतल से बना रखा है। ठंडी बहुत ज्यादा हो रखी है, बहुत कठिन है यहाँ पर आराम से चढ़ना पड़ता है। देखो कितना खतरनाक रास्ता है, साइड में तो कुछ भी नहीं लगा हुआ आधी जगह पे। तो फ्रेंड्स, बहुत चलने के बाद फाइनली हम वाटरफॉल के पास आ चुके हैं। तो यहाँ पर खाने पीने की दुकान भी है, अगर आपको भूख लगी तो आप यहाँ पर खा भी सकते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है। वाओ, देखिए कितना क्लीन वाटर है, बिल्कुल साफ साफ पत्थर दिख रहे हैं। वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बैठने का अपना एक अलग ही मजा है। तो फ्रेंड्स, मैंने पानी को हाथ लगा के देखा था, बहुत ठंडा पानी था उस टाइम, बहुत ठंडा। फिर हम लोगों ने यहाँ का व्यू एंजॉय किया, थोड़ी देर बैठे और बहुत सारी फोटोज खिंचवाई। देखो मैं कितनी ऊंची जगह पे जा रही हूँ। वाओ, देखो वहाँ पे बैठ के बहुत मजा आ रहा है। अब हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करके अब हम लोग वापस जा रहे हैं। बहुत डरावना रास्ता है। अपने को भी खाई है पहाड़ों में मैगी। तो हम लोग अभी एक मैगी पॉइंट पे जा रहे हैं, यहाँ पर स्पेशल मैगी पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर रुक के मैगी खाएंगे। बहुत अच्छी लगी थी मुझे तो मैगी। तो फ्रेंड्स, पहाड़ों में मैगी खाने का अलग ही मजा है। अगर आप कभी पहाड़ों पे जाए तो मैगी जरूर खाना। अब हम पहुंच चुके हैं भक्सुनाथ टेम्पल। ये बहुत प्राचीन मंदिर है।
तो फ्रेंड्स ये बक्सुना टेम्पल है, हम इसके अंदर जाने के लिए लाइन पे लगे हुए हैं। अगर आपको आज का वाटरफॉल और ये टेम्पल अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।